दोस्तों, कनाडा में आने के बाद आपको जॉब सर्च करना है और जॉब सर्च करना एक चैलेंजिंग है, ये कोई इतना आसान नहीं है। और मैं पॉइंट्स नोट्स करके लेके आया हूँ, वो चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा इजी हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट का डिसीजन इतना आसान नहीं है और इतना जल्द कंपनी नहीं दे देती है, लेकिन कुछ महीने के बाद मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है आपको वर्क परमिट दे देती है। ये मैंने देखा है और मैंने हमारी कंपनी में भी स्पाउस वीज़ा पे भी काफ़ी स्टूडेंट भी आके पार्ट टाइम में जॉब कर रहे हैं और इवन पार्ट टाइम में नहीं, फुल टाइम में भी लोग जॉब कर रहे हैं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठंडी बहुत ज़्यादा है तो मैं कोशिश की जाऊँगी संक्षेप में ही बताया हूँ। विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा में आना देखिए आसान है, लेकिन जॉब ढूंढना, जॉब के पहले भी बहुत सी क्राइटेरिया है, यहाँ आने के बाद आपको हर एक चीज़ सेल्फ खर्च करना पड़ेगा। रूम रेंट आपको लेना पड़ेगा, इवन मुझे लगता है कि अगर आप एक दो आदमी आ रहे हैं तो साथ में रूम रेंट ले लेंगे तो आसान हो जाता है, नहीं तो आपको होटल में स्विच करना पड़ेगा और वो काफ़ी महंगा होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कनाडा में आने का प्रोसेस कई तरह का है, लेकिन ज़्यादातर लोग विजिट वीज़ा से वर्क वीज़ा में स्विच करने के लिए ही सोचते हैं, क्योंकि वो आसान भी होता है। क्योंकि देखिए, कनाडा में आने के लिए आपको वर्क वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनी उस हिसाब से आपको हायर नहीं कर सकती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म है, कनाडा में अगर आना हो तो लोग ज़्यादातर विजिट वीज़ा में आके वो अपना वर्क वीज़ा में स्विच कर लेते हैं, तो ये एक ऑप्शन आसान लगता है। पॉइंट्स नोट्स करके लेके आया हूँ, वो चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा इजी हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है कि विजिट वीज़ा आपको अप्लाई करना है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको IRCC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर जाके अकॉर्डिंग टू उसके आपको अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है विजिट वीज़ा अप्रूवल। अगर आपकी विजिट वीज़ा अप्रूवल हो जाती है तो आप कनाडा में एंट्री कर सकते हो। और उसके बाद का प्रोसेस मेन चैलेंजिंग है, काम ढूंढने के बाद अगर काम आपको मिल जा रहा है तो उसके बाद कुछ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है जॉब ऑफर आपको हासिल करना है। काम करते करते आपको कंपनी से जॉब ऑफर के लिए भी उसको प्रयास करना है और ये मिल जाता है। अब मुझे लगता है कि अमूमन ये कुछ महीने के बाद ये मिल जाता है और ये कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। इसके साथ साथ आपको वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई करना है। अगर ये प्रोसेस आपका सब हो जाया, जॉब आपने सर्च कर लिया, तो आपको वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई करना है। और ये वर्क परमिट आपका जो अप्लाई किए हैं वो अप्रूवल हुआ कि नहीं, ये सब चीज़ों के लिए आपको चेक करता रहना पड़ेगा। कंपनी ये शो करती है कि जो उसको जॉब चाहिए उसका यहाँ पे आदमी उस ट्रेड का नहीं है, इसलिए वो आपको LMIA के थ्रू यहाँ पे लेके आ रहा है। तो ये दोस्तों एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये कोई उतना क्रिटिकल भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें आप अगर ऑनलाइन में, एक्चुअली मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया है कि आप कनाडा में जॉब सर्च कैसे करें, तो मैंने शॉर्ट टर्म में एक बता दे रहा हूँ कि लिंक्डइन में आप प्रोफाइल बनाइए, चेकआउट कीजिए, कुछ मैंने उसमें मेंशन किया है कौन कौन से वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं और उस पर मैंने हर एक पॉइंट कवर किया है कि आपको कौन सा ईजी वे है। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, माइनस मुझे लगता है कि -8-10 टेम्परेचर है। आप पीछे देख सकते हैं जो नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है कनाडा का और यकीनन यहाँ रहने लायक है। और ये चीज़ें मुझे लगता है कि आप आसान कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं और करना चाहूँगा, ये चीज़ें एक जनरल गाइडलाइन है, अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आपको IRCC के ऑफिशियल अगर वेबसाइट पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, हर एक पॉइंट आपको वहाँ मिलेगा। आप वर्क वीज़ा के लिए क्या प्रोसेस है, विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा में आप कैसे स्विच कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, आप IRCC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ज़्यादा ये चीज़ जानकारी मिलेगी। लेकिन ये मैंने देखा है और मैंने हमारी कंपनी में भी स्पाउस वीज़ा पे भी काफ़ी स्टूडेंट भी आके पार्ट टाइम में जॉब कर रहे हैं और इवन पार्ट टाइम में नहीं, फुल टाइम में भी लोग जॉब कर रहे हैं। तो ये एक आसान तरीका लगता है, मुझे लगता है इंडियन से जो भी यहाँ आना चाहते हैं। तो काफ़ी प्रोसेस होने के बाद देखिए, ये कोई इतना आसान भी नहीं है कि आपको वर्क वीज़ा डायरेक्ट मिल जाए,
वर्क वीज़ा का बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। सोच से हर चीज़ आसान हो जाता है जी। आदमी जब सोचता है ना तो सोचने के साथ साथ उस हिसाब से काम करना शुरू कर देता है, और जब आदमी सोचता ही नहीं है तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए। हाँ, एक व्यूअर्स हमारे कमेंट्स किए थे कि मैंने लोन लेके मैं यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ रहा हूँ, सर आपका क्या राय है? यार, अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, विगत अगर 2-4 साल पहले, 8 साल पहले अगर ये रहता ना तो मुझे लगता था कि उतना कोई क्रिटिकल नहीं था, जॉब तुरंत मिल जाता था। आप लोग ये भी कमेंट्स करोगे आप जॉब करना है और हम लोगों को खौफ देकर आ रहे हैं। मैं आप लोगों को खौफ नहीं दिखा रहा हूँ और मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ। चलिए, मेरा मानना है कि प्रयास करने से हर एक चीज़ आसान हो जाता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जो है, यहाँ के गवर्नमेंट ने भी अलाउंस किया है कि हमने यहाँ पे वर्क कुछ प्रोविंस में अभी मैंने डाउन कर दिया है। इवन ये लोग, मुझे लगता है कि ये चैलेंज अस्थाई है, इवन आने वाले टाइम में ये चेंज भी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कनाडा आने के लिए। और पैसे कमाने का मतलब ये नहीं है कि हम माइनस में चले जाएं और माइनस में जाके कुछ सपने, देखिए सपने साकार तब होते हैं जब सब चीज़ नेचुरल दिखता हो। जैसे आपने वर्क वीज़ा में आया तो एक माइंडली प्रेशर नहीं होता है कि हम जाएंगे जाके काम शुरू करेंगे। यहाँ पे आप लोन लेके आ रहे हो और उसके बाद जॉब सर्च करना है, आपके सामने लॉट ऑफ चैलेंजिंग है कि हम जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टाइम से लोन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो मेरा राय है, मेरा मानना है कि ये एक समझदारी नहीं होगा और यकीनन आपको इस चीज़ में सोचना चाहिए। हाँ, अच्छे फ्यूचर के लिए जाना आना सब चीज़ अपने जगह पे है यार, लेकिन लोन लेके आना मुझे लगता है कि ये समझदारी नहीं है। मैं इसमें मेंशन भी कर दूंगा, हालांकि मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन यार ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे भी आना कोई वो नहीं है यार। कनाडा का ड्रीम सबका होता है, लेकिन ड्रीम के साथ साथ अपनी पॉकेट भी संभाल के रखना चाहिए ताकि आप माइनस में ना जाओ।